हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फैमिली किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की तड़का। जिसे चना की दाल पसंद ना हो वो भी खा सकता है। तो चलते हैं गैस की तरफ, गैस को जला लेते हैं। ऊपर चढ़ाएंगे, इसमें पानी डालेंगे आधा लीटर के करीब। ये हमारा चना के दाल है 300 ग्राम, जिसे मैंने 3-4 बार वॉश कर लिया है। तो कुकर में डाल देंगे उबालने के लिए। एक चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुकर को बंद कर देंगे, इसको 3-4 सीटी आने तक बॉयल करेंगे। उसके बाद तड़का लगाएंगे। हमारा दाल जब तक बॉयल हो रहा है तब तक मैं आपको तड़के की सामग्री दिखा दे रही हूँ। एक प्याज है, 2-4 मिर्ची है, अपने आप स्वाद के हिसाब से और कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2-4 कली लहसुन है, एक टमाटर है, ये सूखे गरम मसाले हैं, 2 लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, एक टुकड़ा बड़ा इलायची है, 2-3 लाल मिर्ची है, तेज़पत्ता है। हमारी दाल उबल चुके हैं, जब तक प्रेशर निकल रहा है तब तक हम गैस पे तड़के की सामग्री तैयार कर लेते हैं। फिर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम सरसों के तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, हम कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम जीरा डालेंगे। इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, इलायची, लौंग, दालचीनी, लाल मिर्ची, तेज़पत्ता। इसको थोड़ा सा भूनने देंगे। चल थोड़ा सा हींग डालेंगे, इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। थोड़ा आँच कम कर देंगे हम, हमारा तड़का जले ना। लहसुन डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, प्याज डालेंगे, अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे। लाल होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, 2-3 मिनट लग जाएंगे। हमारा प्याज हल्का हल्का लाल होने लगा है, इसे थोड़ा और लाल करेंगे ऐसे चलाते हुए। हमारा प्याज अच्छे से लाल हो चुके हैं सारे मसाले, अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसे अच्छे ढक देंगे। अब चलते हैं दाल की तरफ, दाल देख लेते हैं कि देखिए हमारा दाल कितना अच्छा बॉयल हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं कढ़ाई की तरफ। टमाटर भी हमारा गल चुका है, अब इसमें हम हल्का मसाला डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। एक छोटी चम्मच मिक्स मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला, बस और कुछ हमें नहीं डालना है। बस 1 मिनट इसे ऐसे फ्राई करना है।
हमारे अच्छे से सारे सामग्री फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें दाल डालेंगे। तो एक मिनट के लिए ऐसे मिलाएंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है दाल को। दाल को हमारा पहले से बॉयल हो चुका है, बस एक मिनट के लिए मिलाएंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। हमारे चने की दाल का तड़का तैयार है, अब हम इसे नीचे उतारेंगे। देखिए कितना अच्छा बन गया है, वाह कितना टेस्टी बना है। अब हम इसको सर्व करेंगे, सर्व करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा चने की दाल की तड़का कितना अच्छा तैयार हो गया है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस दाल पे आपकी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना सब्जी के भी दाल चावल खा सकते हैं। जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम कितना भी वीडियो बना लें लेकिन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें। हमारे फैमिली किचन में सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।